दोस्तों नमस्ते, हम बीकानेर में हैं। बीकानेर ईस्ट डायरेक्शन में जोड़वीर के अंदर हैं और यहाँ पर अभी खूब सारा पक्षियों का जत्था आए हुए हैं, प्रवासी पक्षियों का, जिसमें से आज हम आपको विशेषतः दिखाने वाले हैं येलो आइड पिजन, पीली आंखों वाला कबूतर, जो कि संकटग्रस्त पक्षी की सूचीबद्ध है, IUCN में एनलिस्टेड है पीली आंखों वाला कबूतर। जैसा आप जानते हैं भारत के पक्षियों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, जिसका एक उदाहरण पीली आंखों वाला कबूतर भी है। इस कबूतर को वैज्ञानिक द्वारा कोलंबा एवर्समानी नाम दिया गया है, जो कि कोलंबी डी असेंबली और पेंडुकी और कबूतर का एक सदस्य है। यह पक्षी मुख्य रूप से दक्षिणी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पूर्व ईरान और उत्तर पश्चिम चीन में प्रजनन करता है। सर्दियों के मौसम में यह मुख्य रूप से उत्तर पूर्व पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ हिस्से जैसे तालछापर, बीकानेर, झुका जोड़भीड़ और कुछ थोड़ा बहुत जोधपुर की तरफ चला जाता है। और इस पक्षी को यूपी में भी देखा जा सकता है। पीली आंखों वाले कबूतर का वर्णन पहली बार 1856 में फ्रांसीसी पक्षी विज्ञानी चार्ल्स लुसियन बोनापार्ट ने किया था, जिसका कि बाइनोमिनियल क्लासिफिकेशन के नाम से जर्मनी में जीव वैज्ञानिक और खोजकर्ता एडवाई फ्रेडरिक एवर्समान के नाम से इसका नाम एवर्समानी रख दिया था। यह पक्षी मध्यम आकार का है, जो कि लगभग 30 सेंटीमीटर की लंबाई तक इसका साइज होता है। इसका वजन 185 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक हो सकता है। सामान्य तौर पर यह ग्रे कलर का होता है, इसके ऊपरी हिस्सा थोड़ा भूरे रंग का होता है और इसका इंटीरियर भाग या शीर्ष भाग, गले और चेस्ट पर गुलाबी बैंगनी रंग की चमक भी दिखाई देती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसके इंटीरियर भाग में पंखों में काली पट्टियां दिखाई देती हैं, जो कि हल्के नीले रंग की भी हो सकती हैं। पंखों का निचला हिस्सा दुम तथा नीचे का भाग सफ़ेद हल्के भूरे रंग का होता है। आँख की पुतली तथा आँख के आसपास का इलाका हिस्सा का रंग पीला होता है, इसीलिए इसको पीली आंख का कबूतर कहते हैं। कबूतर की चोंच पीली होती है, जबकि पैर गुलाबी रंग के होते हैं। पीली आंखों वाला कबूतर आमतौर पर एक मूक पक्षी है, यानी कि बोलता नहीं है, लेकिन प्रजनन के मौसम के दौरान ये कभी कभी विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करता है। इस कबूतर की प्रजातियाँ आमतौर पर जंगलों में तो होती नहीं, वे विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में निवास करते हैं और अपने प्रजनन क्षेत्रों में अर्ध शुष्क और शुष्क यानी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में, जहाँ समतल भूमि हो, मैदानी भूमि हो और घास हो और घास के अंदर बीज हो, तो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। इन कबूतर की प्रजातियाँ ज़्यादातर प्रवासी ही होती हैं। सर्दियों में ये उत्तर पश्चिम भारत में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान की ओर प्रवास करते हैं। सर्दियों के मौसम में ये पेड़ों के साथ साथ कृषि क्षेत्र जैसे बागों में, ग्रामीण इलाकों में भी ये दिखाई देते हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं जहाँ शहतूत के भी पेड़ों खाने के अनुकूल विशेष चीज मिले, और अपने पोषण के लिए भी कबूतर विशेष रूप से बड़े पैमाने पर बीजों, अनाज और जामुनों पर निर्भर रहता है। इन सामग्रियों को वे आमतौर पर ज़मीन पर ढूंढता है, लेकिन कभी कभी फलों के पेड़ से ही ये तोड़ लेता है। और पक्षी सामान्य रूप से अक्टूबर और नवंबर के महीने में दक्षिण की ओर पलायन करते हैं, जिससे सर्दियों के मौसम में इनका झुंड बन जाता है और एक समय में इस झुंड के में हजारों कबूतरों को गिना जा सकता है। जैसे बीकानेर में माना जाता है अभी तक 5000 कबूतर आ चुके हैं। इनकी संख्या घट बढ़ सकती है और झुंडों में केवल कुछ दर्जन बड़े ही पक्षी दिखाई देते हैं, मगर बीकानेर में अभी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। एक फ्लॉक के अंदर, एक झुंड के अंदर कम 100 से 500 तक दिखाई दे रहे हैं। ये अप्रैल माह में अपनी प्रजनन रेंज में लौट जाते हैं और घोंसला बनाने की प्रक्रिया वसंत के अंत तक और गर्मियों के दौरान शुरू कर देते हैं। यह प्रायः चट्टानों, खोखले पेड़ों, खंडहर और इमारतों जैसे स्थानों पर अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं। एक समय में इनकी प्रचुर मात्रा इस प्रकृति पर मौजूद थी, धरती पर मौजूद थी, परंतु विगत वर्षों में पीली आंखों वाली कबूतरों की आबादी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइनिंग फेज में गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण इसके शिकार को माना जाता है। इसके शिकार के कारण इसकी संख्या निरंतर घट रही है। पीली आंखों वाले कबूतर की वैश्विक आबादी के अनुसार आकार का अनुमान 15,000 से 30,000 एकड़ पक्षियों का लगाया गया है। निवास स्थान और भोजन के नुकसान तथा शिकार को में इनकी आबादी में लगातार गिरावट मुख्य कारण माना जा रहा है।
इस गिरावट को देखते हुए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने इस पक्षी को अपनी रेड लिस्ट में असुरक्षित या संकटग्रस्त पक्षी एंडेंजर्ड पक्षी के अंदर एनलिस्टेड कर दिया गया, स्थिति बदलाई है। तो ये बीकानेर में आया हुआ है सौभाग्य से, तो आज हमने इसका वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। और ये अभी पृथ्वी पर इनकी आबादी लगभग 90 से 95% घट चुकी है, सिर्फ 1 से 5% आबादी है, जिसमें से बीकानेर में मैक्सिमम आए हुए। तो इसको देखिए, एंजॉय कीजिए और अपना ज्ञान भी बढ़ाइए, रोचक सामग्री से एंजॉय लीजिए। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।